हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। अभी रिसेंटली एक काफी हिट मूवी में मैंने ये देखा कि एक महिला फेंट हो जाती है और फिर ये कहा जाता है कि शी इज प्रेग्नेंट। बरसों से ऐसे चक्कर आना, उल्टी करना, खट्टा खाने का मन करना जैसे इंस्टेंसेस को शुरुआती प्रेगनेंसी लक्षणों से जोड़ा गया है, स्पेशली हमारे मूवीज वगैरह में। लेकिन यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो और किसी को चक्कर आए तो वो प्रेग्नेंट ही हो। तो आज के वीडियो में ऐसे ही कई मिथ्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, स्पेशली इन द अर्ली प्रेगनेंसी पीरियड। और एक बात, कई महिलाएं प्रेगनेंसी सिम्टम्स के द्वारा गर्भ में लड़का है या लड़की इसका अंदाज़ा भी लगाते हैं, लेकिन मेडिकल साइंसेस के अनुसार प्रेगनेंसी सिम्टम्स के द्वारा गर्भ में लड़का है, लड़की है, सिंगल बेबी है, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। यूं तो प्रेगनेंसी का सबसे रिलायबल साइन होता है पीरियड्स ना होना, लेकिन कई बार इससे पहले भी कुछ महिलाओं को ऐसे कुछ साइंस दिखते हैं जो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के इंडिकेटर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, उनको स्तनों में भारीपन जिसे ब्रेस्ट हैवीनेस कहा जाता है, थकान, हल्के क्रैम्स या ब्लोटेड सा फील करना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वगैरह वगैरह जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। लेकिन ऐसे सिम्टम्स अक्सर पीरियड्स के पहले भी एक महिला को महसूस होते हैं, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इनके द्वारा आपको ये पता लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं। पीरियड्स ना होने पे अगले कुछ हफ्तों में जो शुरुआती प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं कॉमनली, उसमें से है उल्टी वाली फीलिंग होना या उल्टी आना, वजाइना से डिस्चार्ज बढ़ना, मूड स्विंग्स होना, साथ ही कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्रेस्ट्स में भारीपन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और थकान महसूस करना भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की वजह होती है इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, और फूड चॉइसेस भी एक महिला के बदल जाते हैं। जैसा कि मैंने कई वीडियोस में आपसे जिक्र किया हुआ है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी, मतलब जैसे चिकन, फिश, ये सब मुझे बहुत पसंद था, लेकिन शुरुआती दिनों में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉनवेज तो मैं सोच भी नहीं सकती थी खाने का। अदरक, लहसुन, इनके स्मेल से भी मुझे काफ़ी प्यूकी सा फील होता था। तो इसी तरीके से कई महिलाओं के फूड चॉइसेस चेंज हो सकते हैं या फिर उनको कुछ फूड क्रेविंग्स भी हो सकता है। ये हो गई बात नॉर्मल प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स की। अब मेरे चैनल में मैंने आपसे मोलार प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिसकैरेज जैसे कुछ एबनॉर्मल इंस्टेंसेस के बारे में भी बातें की हैं। अगर आप डिटेल जानना चाहती हैं तो उन सारे वीडियोज़ को एक बार देख सकती हैं। अगर एक महिला को इस तरीके का कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो, फॉर एग्जांपल जहां फेलोपियन ट्यूब्स में बच्चा इम्प्लांट हो गया हो, इक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, ऐसे में महिला को नौजिया वॉमिटिंग तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है कि उनके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द हो, उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रैम्प्स हो, या फिर उनके वजाइना से स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो, या फिर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि महिला फेंट भी हो सकती हैं। अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको देखते हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही बात करनी चाहिए। इस तरीके के सिम्टम्स अपकमिंग मिसकैरेज के लक्षण भी हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के केसेस में इनिशियली एक महिला को किस तरीके के सिम्टम्स दिख सकते हैं। मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे चर्चा की हुई है, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए। Thank you so much. See you again with another informative video. Till then, take good care.